सन 1925 और बाद के कुछ वर्ष ऐसे थे जबकि स्वतंत्रता आंदोलन में शिथिलता आ गई थी। इतिहासकार लिखते हैं कि इस समय देश के सामने आजादी प्राप्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं था। आम कांग्रेसी चरखा काट रहे थे, गांधी जी दक्षिण में भ्रमण कर रहे थे और स्वराज्य दल के लोग काउंसिलों में बहस कर रहे थे। ऐसे समय में क्रांतिकारी दलों ने अपने को संगठित किया। शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लहरी, अशफाक उल्ला आदि इस दल के प्रमुख कार्यकर्ता थे। उनकी गतिविधियों से ब्रिटिश शासन चौंक उठा था। दूसरी ओर स्वामी श्रद्धानंद जैसे समाज सुधारक दलितों के उद्धार और हिंदू मुस्लिम एकता के कार्य में जुटे हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद गांधी जी की प्रेरणा से सन 1919 में सत्याग्रह में शामिल हुए थे। 30 मार्च 1919 को जब सत्याग्रहियों के जुलूस को सैनिकों ने रोका था तो स्वामी श्रद्धानंद ने उनके संगीनों के आगे अपना सीना अड़ा दिया और बड़े ऊंचे स्वर में कहा था, लो मार दो, और वहीं खड़े रहे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और गंभीर स्वर के सामने सैनिक सहम कर रह गए थे। स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों से प्रेरित होकर उन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। शायद भारत ही नहीं, इस्लाम के इतिहास में इस तरह का ये पहला मौका था। किंतु सन 1923 में स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था, राजनीति के कार्यों के लिए तो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। मैं ब्रह्मचर्य और दलित जातियों के उद्धार के लिए काम करूंगा। सन 1926 में एस श्रीनिवास अयंगार की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ। किंतु उससे एक दिन पूर्व ही समाचार आया कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई है। इससे अधिवेशन फीका पड़ गया। कांग्रेस के सभापति को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकालने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद के बारे में शोक प्रस्ताव रखा और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका समर्थन किया। अब ये भी जरूरी समझा जाने लगा था कि मजदूरों के हितों की भी चिंता की जाए। सन 1926 में मद्रास में इसी उद्देश्य से मजदूर किसान पार्टी का गठन हुआ। सन 1926 में मद्रास में आयोजित भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के छठे अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए वीवी गिरी ने कहा था, मजदूरों को न केवल संगठित करना जरूरी है बल्कि उनके बीच सहयोग स्थापित करना भी जरूरी है। उधर किसानों के अधिकारों की लड़ाई गुजरात में वल्लभ भाई पटेल भी लड़ रहे थे। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई ने कोट पैंट टाई त्याग कर किसानों की पोशाक धोती कुर्ता अपना ली थी। अहमदाबाद की प्रसिद्ध कपड़ा मिल मजदूर हड़ताल में भी वल्लभ भाई ने गांधी जी के साथ उल्लेखनीय कार्य किया था। नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी वल्लभ भाई ने किया था जिसमें ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था और इससे वल्लभ भाई को देशव्यापी ख्याति मिली थी। सन 1927 में गुजरात के किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। इसके विरुद्ध किसानों में जबरदस्त आक्रोश उठा और वो कुछ भी करने को तैयार थे, बस उन्हें केवल एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। आखिर बारदोली में किसानों ने वल्लभ भाई से नेतृत्व करने के लिए कहा। वल्लभ भाई ने कहा, यदि हर तरह का जोखिम उठाने के लिए आप तैयार हैं, तो मैं आपके लिए लड़ सकता। किसान तो हर तरह से तैयार थे। वल्लभ भाई के नेतृत्व में ऐतिहासिक बारदोली किसान सत्याग्रह शुरू हो गया। वल्लभ भाई ने यह आंदोलन इस तरह संगठित किया था कि लगान मिलना तो दूर, गांव में सरकारी अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना दुश्वार हो गया था। बारदोली किसान आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर जुल्म ढाए, उनके घर तोड़ दिए, मवेशी जब्त कर लिए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु किसान झुके नहीं। अंत
में सरकार को ही झुकना पड़ा। वल्लभ भाई की सफलता पर प्रसन्न होकर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तभी से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे थे। सन 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। कहा यह गया था कि इसे भारत के भाग्य का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया गया है, किंतु ये सब केवल दिखावा था, क्योंकि इसे दरअसल भारतीयों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में बांटकर उनमें फूट डालने के लिए भेजा गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस कमीशन के विरोध में स्पष्ट कहा था कि ये तो भारतीयों की आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है। एने बेसेंट ने कहा था, इस कमीशन की स्थापना अगर जले पर नमक छिड़कना नहीं है तो और क्या है। 3 फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन के साथ 7 सदस्यों वाला कमीशन जब बंबई उतरा तो सारे देश में उसका विरोध किया गया। सबसे अपमानजनक बात ये थी कि इसमें किसी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। कमीशन जहाँ जहाँ गया वहीं उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। पटना में ब्रिटिश हुकूमत ने गांव से कुछ किराए के प्रदर्शनकारी बुलाए थे ताकि वो साइमन कमीशन के समर्थन में नारे लगाएं। लेकिन जब विरोधी जुलूस उनके सामने पहुंचा, तो वो सब भागकर उसमें शामिल हो गए और ब्रिटिश हुक्मरान खड़े खड़े देखते रह गए। 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। कमीशन का विरोध करने वाले जुलूस का नेतृत्व किया था पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने। जैसा कि आप जानते हैं, लाला लाजपत राय उस समय देश के अग्रणी नेताओं में थे, किंतु ब्रिटिश शासन की दमन नीति के सामने किसी भी बड़े नेता का कोई महत्व नहीं था। जुलूस पर अंग्रेज पुलिस की लाठियां बरसी और लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए। लाला जी के घायल होने की खबर से सारे देश में विरोध की लहर ने तेजी पकड़ ली। लाला लाजपत राय ने उस समय कहा था, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कीले साबित होंगे। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। इससे सारे देश में खलबली मच गई। नेहरू जी के शब्दों में, उस समय देश के लोगों में दुख से अधिक क्रोध भड़क उठा। 15 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारी दल ने लाला जी की हत्या के जिम्मेदार अंग्रेज ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस योजना में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। लाहौर के बाद जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा, तो वहां जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत आदि नेताओं ने विरोध में जुलूस निकाले और जैसा कि सभी जगह हो रहा था, अंग्रेज पुलिस ने लखनऊ में भी अपना दमन चक्र चलाया। नेहरू जी ने इस लोमहर्षक दृश्य का वर्णन करते हुए मेरी कहानी में लिखा है, घुड़सवार फौरन हमारे ऊपर आ गए और उनकी आगे की कतार हमारे जुलूस में आगे खड़े हुए लोगों से एक ही छलांग में टकरा गई। हम भी डटे रहे और चूंकि हम हटते नहीं दिखाई दिए, इसलिए उन्हें उसी दम घोड़ों को रोक देना पड़ा। घोड़े पिछले पैरों पर खड़े रह गए, उनके अगले पैर हमारे सिरों पर लटकते हुए हिल रहे थे और फिर हम पर पैदल और घुड़सवार पुलिस दोनों की लाठियां पड़ने लगी। वह खूब भयंकर मार थी। मुझे सिर्फ इतना ख्याल रहा कि मुझे अपनी जगह पर ही खड़े रहना चाहिए। मार से मुझे अंधेरी आ गई। और उलट कर मारने का ख्याल आया। मैंने सोचा कि अपने सामने के पुलिस ऑफिसर को गिराकर घोड़े पर खुद चढ़ जाऊं। ये कितना आसान था। मगर लंबे अरसे की तालीम और अनुशासन ने काम दिया। इसके अलावा मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर हमारी तरफ से कुछ भी मुकाबला हुआ तो ये भीषण दुर्घटना हो जाएगी, जिसमें हमारे आदमी बड़ी तादाद में गोलियों से भून दिए जाएंगे।
लखनऊ के इस जुलूस में नेहरू जी के साथ गोविंद वल्लभ पंत भी थे। उन्हें तो और भी ज्यादा चोटें आई थी, इतनी कि बहुत अरसे तक उन्हें इतना दर्द रहा, इतनी तकलीफ रही कि वो कमर भी सीधी नहीं कर सकते थे। जब साइमन कमीशन देश के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहा था, उन्हीं दिनों कलकत्ते में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य और डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक राज्यों की स्थापना की मांग को लेकर काफी बहस हुई। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता तत्काल पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पास कराना चाहते थे, किंतु कांग्रेस के पुराने नेता नहीं मान रहे थे। अंत में गांधी जी के कहने पर समझौता हो गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक साल का समय दिया। यदि इस अवधि में उसने भारत को औपनिवेशिक स्वरूप नहीं दिया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग रखेगी। आखिर एक वर्ष बाद 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन रावी के किनारे हुआ। ठीक आधी रात के समय, जब एक नया वर्ष जन्म ले रहा था, बड़े ही जोश भरे वातावरण में पूर्ण स्वराज्य का ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रस्ताव में कहा गया था, हमारी आस्था है कि अन्य देशों की तरह भारतवासियों का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि स्वाधीनता प्राप्त करें, अपने परिश्रम के फल का उपयोग करें और जीवन की आवश्यकताएं पूरी करें ताकि विकास की समस्त सुविधाएं उन्हें मिल सके। हमारा ये भी विश्वास है कि यदि सरकार जनता के इन अधिकारों को छीन कर उसका दमन करती है तो जनता को ये भी अधिकार जाता है कि वो उस सरकार को समाप्त कर दे या बदल दे। भारत में अंग्रेज सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता मात्र का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि उसने जनता का शोषण अपना अधिकार बना लिया है। हमारी ये भी आस्था है कि भारत को ब्रिटेन से संबंध विच्छेद कर पूर्ण स्वाधीनता की संप्राप्ति करनी चाहिए। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग के साथ ही उस समय के सबसे युवा राजनीतिज्ञ जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रपति चुना गया था। प्रस्ताव में ये भी निश्चय किया गया था कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तब 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और जुलूस निकाले गए। इससे लोगों में नया जोश आया। जवाहरलाल नेहरू का इस अवसर पर शानदार स्वागत हुआ था। ऐसा शानदार जुलूस निकला था कि माता स्वरूप रानी ने जब एक अटारी से उस जुलूस को देखा तो वो गदगद हो उठी। अपने पुत्र की जय जयकार से उनका मन हर्ष से पुलकित हो उठा था, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी थी। लाहौर कांग्रेस के दौरान एक और उल्लेखनीय घटना हुई। उसमें भाग लेने के लिए सीमा प्रांत से बहुत से लोग आए थे। इस प्रांत से यूं तो खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस के अधिवेशनों में आकर हिस्सा लिया करते थे, मगर लाहौर में पहली बार सीमा प्रांत के सच्चे नौजवानों का एक बड़ा दल आया। वो वहां से ये ख्याल और जोश लेकर गए कि वो आजादी की लड़ाई में सारे हिंदुस्तान के साथ हैं। इस तरह 1930 से सीमा प्रांत के लोग आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा लेने लगे। आखिर ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं मानी। असेंबली के तमाम मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस और उनके 11 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्ण स्वराज्य की मांग ना माने जाने पर कांग्रेस के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो अपना संघर्ष तेज कर दे। गांधी जी और अन्य नेताओं ने ये विचार किया कि अब देश को एक साथ जगाना है, सबको साथ लेकर चलना है। ये भी तय किया गया कि ऐसे प्रयास किए जाएं जिनसे ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल जाएं और व्यवस्था संभालने में वो अपने को कमजोर महसूस करे। 15 फरवरी 1930 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव पास किया।
गांधी जी ने वॉयसराय को पत्र लिखकर समझाने की कोशिश भी की ताकि आंदोलन की जरूरत ना पड़े, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए जनता का आह्वान किया। उन्होंने कहा, पानी के बाद नमक ही सबके लिए सबसे जरूरी चीज है, उस पर सरकार को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस टैक्स से लाखों भूखों, बीमारों और विकलांगों तथा बेसहारा लोगों पर असर पड़ता है। दुनिया में इससे बड़ा अमानुषिक टैक्स और कोई नहीं हो सकता। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने का यह आंदोलन अहिंसक होने वाला था, किंतु जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी में लिखा है, कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शित उत्साह के बावजूद कोई ये नहीं जानता था कि संघर्ष के कार्यक्रम में देशवासी कहां तक साथ चल सकेंगे।